हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 का पार्ट टू और पार्ट टू में हम अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे लास्ट कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा आर्किटेक्चर जिसमें हमने डोम्स के बारे में पढ़ा था और जो आर्स है उनके बारे में पढ़ा था और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया जिसका टाइम पीरियड है 1300 से 1500 के बीच का और बेसिकली इस चैप्टर में हमने देखा था कि जो दिल्ली सल्तनत में जितनी भी डायनेस्टीज़ आती हैं उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल था आर्च हो गए डोम्स हो गए ठीक है और बाहर से जो टॉर्स आए थे किस तरह से उन्होंने हिंदू टैंपल्स को चेंज किया मॉस्क्यूज में और उसमें क्या उन्होंने नई जो फ़ीचर्स थे वो ऐड किए या जो इंडिया का अपना खुद का जो एक ट्रेडिशनल कल्चर था वो किस तरह का था ओके आज हम बात करेंगे रिलीजियस बिलीफ को लेकर जो रिलीजियस आइडियाज़ थे उस समय डेरी सल्तनत के टाइम पर आज हम उनको डिस्कस करेंगे तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ तो so, ये है हमारा चैप्टर नंबर 11 कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया जिसमें हमने कल फर्स्ट पार्ट में ये सब डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने डेली सल्तनत के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा रिलीजियस आइडियाज़ एंड बिलीफ ओके तो इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम वॉज नॉट अ स्ट्रेंजर इन इंडिया वेन टर्क इस्टैब्लिश्ड दे एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया तो इस्लाम कोई नई चीज़ नहीं थी पहले से जो इंडियंस थे वो जानते थे टर्क्स के आने से पहले भी वो लोग इस्लाम के बारे में जानते थे इस्लाम हैड बिन इस्टेब्लिश इन सिंध फ्राम एट एट्थ सेंचुरी बात करें सिंध में इस्लाम को कब इस्टैब्लिश किया गया तो एट्थ सेंचुरी में किया गया और टेंथ सेंचुरी तक वो पंजाब में भी इस्टैब्लिश हो गया जो अरब ट्रेवलर्स थे जो केरला में इस्टैब्लिश हुए थे एटीन और टेंथ सेंचुरी के बीच में ड्यूरिंग दिस पीरियड अरब ट्रैवलर्स एंड सूफ़ी सन ट्रैवल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया तो इस टाइम पर जो एथ और टेंथ सेंचुरी के बीच में जो अरब ट्रैवलर्स थे और जो सूफी सन्स थे वो भारत के अलग अलग हिस्से में देखे गए थे ठीक है वो ट्रैवल करते थे अबरूनी बुक किताबुल हिंद एंड अदर राइटिंग हाड फैमिलराइज द लर्न सेक्शन इन वेस्ट एशिया अबाउट हिंदू आइडियाज़ एंड बिलीफ जो अलबरूनी है उनकी अगर आप किताब पढ़ोगे किताब उल हिंद तो उसमें बताया गया है उसकी जो राइटिंग्स है उसमें बताया गया है कि जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर भी जो लर्न सेक्शन थे वो हिंदू आइडिया को और बिलीफ को जानते थे ऐसा नहीं था कि वेस्ट एशिया के लोग बिल्कुल भी हिंदू जो आइडियाज़ वगैरह है हिंदू जो रिलीजन है उसके बारे में नहीं जानते थे ऐसा नहीं था वो लोग भी इस चीज़ से पूरी तरीके से अवेयर थे एज has बीन नोटेड earlier बुद्धिस्ट लॉर्स एंड इंडियन फर्बर्स एंड बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी इन मेडिसिन हार्ट बीन ट्रांसलेटेड इन टू अरेबिक क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन बुक्स थी जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था उनको ट्रांसलेट किया गया था जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर था मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ था उनको ट्रांसलेट किया गया था, था, था अरेबिक में बहुत सारे टेक्स थे ऐसे इंडिया के जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे और उनको जो अरब थे उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट किया था विजिट्स ऑफ इंडियन योगी टू द रीजन वर्ड नॉट अन ठीक है जो इंडियन योगी थे वो भी भारत से बाहर इन वेस्ट एशियाज जो कंट्रीज थी वहाँ पर जाते थे तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जब टर्क आए थे तभी उनको हिंदुओं के, हिंदु के बारे में पता चला और हिंदुओं को इस्लाम धर्म के बारे में पता चला द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़म एंड वैदांतिक आइडियाज़ और इस्लामिक थिंकिंग हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिबेट अमंग स्कॉलर्स तो बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है खासकर जो वेस्ट एशिया के जो लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनका मानना ये है कि हमारे जो क्योंकि दोनों ही धर्म में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं तो आपस में ये तो कोई नहीं कहना चाहता कि हमने उनसे सीखा सब क्या कहना चाहते हैं कि हमारे से उन तक पहुँची वो चीज़ उन्होंने हमारे से कॉपी करी तो यहाँ पर वही है कि जो बुद्धिज़्म का जो वैदांतिक जो आइडियाज हैं उनका काफ़ी हद तक आपको जो फर्क मतलब जो असर है वो इस्लामिक थिंकिंग का देखने के लिए मिलेगा लेकिन ये कहना मुश्किल रहेगा बहुत ज़्यादा कि कैसे कहाँ से मतलब पहले किसने किसको कॉपी करा लेकिन अगर आप दोनों को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर दिखाई देंगी रेमिनेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री स्तूप्स इमेज ऑफ़ द बुद्ध फाउंड इन अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया में बहुत सारी आपको बुद्धिस्ट मोनास्ट्री देखने के लिए मिलेंगी स्तूप्स मिलेंगे बुद्ध की जो इमेजेस हैं वो भी मिलेंगी आपको अफगानिस्तान में और फिर तो दूसरा सेंट्रल एशिया पार्ट है

रोल है ठीक है और जो बुद्धिस्ट है उसका इन्फ्लुएंस ना केवल भारत तक बल्कि सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान जैसी कंट्री तक भी देखा गया है बल इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिलोसफिक आइडियाज इट इज़ हार्डली हार्डली डिस्प्यूटेबल डेट बोथ ग्रीक एंड इंडियन आइडियाज इन डिफरेंट प्रोपोशन मेड अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक फिलासफी इन इट्स फॉर्मेटिव फेज जैसे मैंने कहा लेकिन पूरी तरह तरीके से इस चीज़ को कंसिडर करना ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हम ये सब चीज़ें किसके बेसिस पर पढ़ रहे हैं जो राइटिंग्स है हमारे पास जो लिटरेचर वगैरह हम उस टाइम में जिए तो है नहीं जो हमें पता चले सही से तो जो भी हमारे पास फॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम ये सब चीज़ें बोलते हैं डीज आइडियाज़ प्रोवाइडेड द बैकग्राउंड टू द राइज ऑफ सूफ़ी मूवमेंट विच लेटर विच आफ्टर इट्स इस्टेब्लिशमेंट इंडिया आफ्टर द ट्वेल्थ सेंचुरी ट्वेल्थ सेंचुरी के बाद भारत में जो एक सूफी मूवमेंट है वो भी देखने के लिए मिला जिसमें बहुत सारे सूफी सन्स होते हैं और ये भी कहीं कही ना कहीं जो इस्लामिक फिलोसफी है उसको फॉलो करते हैं और इन्होंने ट्वेल्थ सेंचुरी में मुस्लिम और हिंदू दोनों को इन्फ्लुएंस किया ठीक है प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द टू सूफी जो थे उन्होंने दोनों के लिए अपनी जो टीचिंग्स थी वो दोनों के लिए रखी मुस्लिम के लिए भी और हिंदू के लिए भी स्कॉलर्स बिलीव

उनके पास पहुंच गई और कहीं ना कहीं यहां पर क्या देखा गया एसिमिलेशन देखा गया देर बेसिक आइडियोलॉजी स्ट्रक्चर रिमेन इस्लामिक लेकिन उनकी जो बेसिक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था वो अभी भी क्या था पूरी तरह से इस्लामिक था अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा द सूफी मूवमेंट टेंथ सेंचुरी में जो इस्लामिक हिस्ट्री थी वो अपने बहुत सारे रीजन्स के लिए फेमस रही सबसे पहले तो इट मार्क द राइज ऑफ टर्क्स ऑन द रून ऑफ एबिसट खलीफत देखो जिन्होंने लेक्चर शुरू से देखे होंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के मेरे उनको ये जो एबिसट खलीफ़त है ये बहुत अच्छे से पता होगा हम बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे ही जो अबास जो खलीफत है वो ख़त्म होने लगी तो वहाँ पर किसका राइज़ होने लगा टर्क्स का राइज़ होने लगा और अब जो ये टर्क्स थे ये किसको मानने लगे थे इस्लाम धर्म को मानने लगे थे ओके इन द रिलींस ऑफ आइडियाज इट मार्क्स द एंड ऑफ द डोमिनेशन ऑफ मुस्ताजिला और रैशनलिस्ट फिलासफी एंड द राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल बेस्ड ऑन द कुरान एंड हाथीज़ अब जैसे जैसे ये जो आइडियाज़ है लोगों के ये बढ़ते चले गए तो यहाँ पर किसका एंड हुआ मुस्ताजिला ठीक है ये एक रैशनलिस्ट फिलासफी थी कि अगर हम कोई चीज़ मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं हर चीज़ के पीछे उनको एक क्वेश्चन मार्क लगा के उसका आंसर चाहिए था और दूसरे कौन सा स्कूल था राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल ठीक है अब इसी की वजह से जो ये मुस्तजिला है इसका जब धीरे धीरे एंड होने लगा तो कौन किसका राइज होने लगा एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल का राइज होने लगा जो किस पे बेस्ड था कुरान और हादिस पे ठीक है ये क्वेश्चन नहीं करते थे इनका कहना ये था कि जैसा मतलब जो इनके मोहम्मद प्रॉफिट हैं ठीक है उन्होंने जैसा कहा उनके जो कंपेनियंस थे उन्होंने जैसी भी टीचिंग इनको दी बिना किसी सवाल जवाब के इनको वो चीज़ फॉलो करनी है ठीक है तो ये थे ऑर्थोडॉक्स स्कूल और जो हर चीज़ पर पीछे का आंसर चाहिए होता था वो थे रेसनलिस्ट अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रेसनलिस्ट थे उनकी जो डोमिनेशन है वो कम होने लगा और किसका डोमिनेशन बढ़ने लगा जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उनका ठीक है द रेशनलिस्ट हैज बीन एक्यूज ऑफ स्प्रेडिंग सेप्टिज्म एंड ठीक है जो रेशनलिस्ट थे वो हमेशा किस चीज़ को आ, वो करते थे कि मतलब वो किसी जो गॉड होता है ना मतलब जो जैसे इनके खुदा वगैरह होते हैं जो मुस्लिम्स में तो वो उस चीज़ पर ज्यादा इतना वो नहीं करते थे उनके लिए ये था कि जो ये पूरा वर्ल्ड है यही क्या है गॉड है और गॉड ही पूरा वर्ल्ड है ठीक है मतलब क्रिएशन और क्रिएटर में उनके लिए कोई फर्क नहीं था द रैनलिस्ट इन पर्टिकुलर इट वॉज आर्ग्यूड एट दिलासफी ऑफ मॉनिज्म गॉड एंड द क्रिएटेड वर्ड वॉर फंडामेंटली वन एंड वर हेरिटिकल ऑन द ग्राउंडिश दिफ्रेंस बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएटर तो यहाँ पर वो किस पॉलिसी को फॉलो करते थे सॉरी फिलोसफी है, है जिसमें क्रिएशन और क्रिएटर ठीक है क्रिएशन क्या है पूरा वर्ल्ड और क्रिएटर क्या है गॉड तो यहाँ पर उन्होंने दोनों को एक ही चीज बताया कि क्रिएशन कुछ और नहीं बल्कि क्रिएटर ही है क्रिएटर भी कुछ और नहीं बल्कि क्रिएशन ही है ठीक है गॉड ही पूरा यह वर्ल्ड है और वर्ल्ड ही क्या है पूरा गॉड है अब यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने क्या कहा कि ये तो भगवान को चैलेंज करने वाली बात हो गई मतलब ये तो जो गॉड है जो खुदा है उसको चैलेंज करने वाली बात हो गई तो इन दोनों के बीच में क्या हो गए एक तरह से होता है ना मतभेद हो जाना ठीक है तो ये एक दूसरे की जो फिलासफ़ी है अब उसको नकारते थे द वर्क ऑफ द ट्रेडिशनलिस्ट क्रिस्टलाइज इन फॉर स्कूल ऑफ द इस्लामिक लॉ अब इसके चलते हुआ क्या कि ये जो इस्लाम था ये चार स्कूल्स में डिवाइड हो गया पहला था हनाफी स्कूल जो सबसे ज़्यादा लिबरल था और सबसे ज़्यादा जो ईस्टर्न टर्क थे उन्होंने इस हनाफी स्कूल को ही अडॉप्ट किया था उसी के बाद वो भारत आए थे दूसरा है मिस्टिक जिन्हें सूफीज बोला जाता था ये जो सूफीज थे देखा जाए तो ये इस्लाम धर्म को ही फॉलो करते थे लेकिन इनका एक बहुत ही डीप डिवोशन होता था बाय द वर्लगर डिस्प्ले ऑफ द वेल्थ एंड डी जनरेशन ऑफ़ मॉरल फॉलिंग फॉलोइंग द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक एम्पायर मतलब सब मोह माया से परे होते थे ये सिर्फ इनका जो डिवोशन है वो गॉड मतलब ये जो खुदा है सिर्फ उसमें लीन होना चाहते थे बाकी जितनी भी वेल्थ है दुनिया में क्या चल रहा है किसी चीज़ के प्रति इनके लिए कोई मोह माह जो मोह माया होती है ना वो नहीं थी These sons wanted to to have nothing to do with the the state, a tradition which later on. Some of the early Sufis, such as थिंग टू डू विदेट अटीशन विच कंटिन्यू लेटर ऑन समाफी उनके बारे में बताया हुआ है जैसे कि राबिया हो गई मंसूर की टेंचुरी में थी इन्होंने बताया कि गॉड और एक इंडिविजुअल, जो सोल जो है उसके बीच का जो लव वॉन्ड है ठीक है वो कैसा होना चाहिए और इन्होंने किस अप्रोच को फॉलो करा पैनस्थेटिक ठीक है ना तो अब इसमें क्या था ये कि ये जितने भी गॉड थे ठीक है दुनिया में और भी जितने गॉड है ये सबको बराबर देखते थे ठीक है इनका मानना यही था कि एक ही भगवान है ठीक है कोई उसको अपने तरीके से मानता है कोई अपने तरीके से मानता है क्योंकि जो ये सूफीज थे इनका मोटिव किसी को ये नहीं था कि अपने जो धर्म है उसमें किसी को कन्वर्ट कराना है या अपना जो सूफीज़म है उसको सुप्रीम दिखाना ऐसा कुछ नहीं था ठीक है ये अपना जो ये लाइफ जी रहे थे या जो भी इनकी टीचिंग्स थी ये चाहते थे बस लोगों को बताएं बाकी उनकी मर्जी है अब इसको फॉलो करें ना करें किसी को भड़काना किसी को मजबूर कर देना उस धर्म को अपनाने के लिए ठीक है किसी के धर्म को नीचा दिखाना ऐसा इनका कुछ भी मोटिव नहीं था ना ही इस तरह के काम करते थे तो इसीलिए ये भारत में काफ़ी फैला भी था डिस्पाइट दिस सेट बैक मिस्टिक आइडियाज़ कंटिन्यू टू स्प्रेड अमंग द मुस्लिम मासस लेकिन इनकी जो ये चीज़ थी ये ये बाकी जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी अब बीच का रास्ता निकालने के लिए यहाँ पर कौन आते हैं? अल गजली आते हैं इन्होंने सोचा कि जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है और जो सूफीजम है इन दोनों को एक साथ करके और कोई बीच का रास्ता निकालता है जो दोनों में झगड़ा ना हो क्योंकि दोनों किसके पार्ट है हैं तो इस्लामिक स्कूल के ही पार्ट है तो यहाँ पर ये यह वही चीज़ करते हैं ही वॉज एबल टू डू इन अ लार्ज मेजर एंड ही गेव अप फर्दर टू द रेशनलिस्ट फिलोसफी बाय आर्ग्यूइंग दैट पॉजिटिव नॉलेज ऑफ गॉड एंड इस क्वालिटी कैन नॉट बी गेंड बाय रीज़न इन्होंने क्या कहा कि जो रैशनलिस्ट फिलासफी वाले जो लोग जो लोग थे उनके लिए क्या कहा कि मतलब हमें हर चीज़ पर क्वेश्चन नहीं करना है जैसा हमें मतलब अगर आप गॉड को रीजन के बेसिस पर देखोगे उसके पीछे रीजनिंग लगा दोगे फिर लॉजिक यूज़ करोगे तो वो फिर वो चीज़ उसमें बचेगी ही नहीं मतलब ठीक है ना जो विश्वास करने वाली जो बात होती है वो बचेगी ही नहीं तो इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जैसी उसको सुनते हैं ठीक है जैसा टीचिंग्स है आपको वो वैसी ही माननी पड़ेगी अगर आपको उसको विश्वास है तो मानो नहीं है तो फिर मत मानो है ना तो उन्होंने यही बात कही तो ये जो चीज़ थी ये जो रेस्टनल फिलोसफी वाले जो लोग थे ये उनको ऐसा लगा कि वो उनके खिलाफ जा रही है क्योंकि उनको तो हर चीज़ के पीछे रीजनिंग लगाने वाली आदत थी उसने और यहाँ पर जो अलगसली थे उन्होंने ये कहा कि हर चीज़ के पीछे रीजनिंग नहीं लगाई जाती है यहाँ तक कि अगर आपको उस गॉड के बारे में अगर नॉलेज चाहिए तो आप सिर्फ जो लोग कह रहे हैं मतलब जो बड़े बड़े जो सूफीज़म हैं या फिर जो भी काजी वगैरह हैं जो इस बारे में नॉलेज रखते हैं आप उनकी टीचिंग्स को सुनो ठीक है उस पर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको उस खुदा के बारे में कभी भी नॉलेज मिल ही नहीं सकती बट ओनली बाय रेवल्यूशन दस द रिड बुक कुरान वॉज अ वाइटल फॉर मिस्टेक ठीक है अराउंड दिस टाइम सूफी पर ऑर्गेनाइज इन ट्वेल्व ऑर्डर और, और सिलसिला इस समय हुआ क्या जो सूफीज थे उनको ऑर्गेनाइज़ किया गया बारह ऑर्डर्स में जिसको सिलसिला भी बोलते हैं अ सिलसिला वॉज जनरली लीड बाय द प्रोमिनेंट मिस्टेक हु लिव्ड इन अ खान का और अ हॉस्पाइस अलॉन्ग विद इस डिसिपल ये जो सिलसिला है इसको एक इसके जो हैड होते थे ठीक है वो एक मिस्टेक होते थे जिन्हें खान का भी बोलते थे ये ये खान का क्या है एक ऐसा जगह जहाँ पर ये जो गुरु जो सूफी गुरु हैं वो बैठते थे और इनके अपने खुद के कुछ डिसिपल्स होते थे वो बैठते थे उसके बाद टीचिंग्स दी जाती थी द लिंक बिटवीन द टीचर डिसिपल यहाँ पर जो टीचर हैं उनको बोलते थे पीर और जो उनके डिसिपल्स हैं उनको बोलते थे मुरीद अ वाइटल पार्ट ऑफ द सूफी सिस्टम और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था सूफी सिस्टम का एवरी पीर नॉमिनेटेड अ सक्सेसर और वाली टू कैरी ऑन हिज़ वर्क जो भी पीर होते थे जो भी टीचर होते थे वो अपना अगला सक्सेसर हमेशा नॉमिनेट करके जाते थे और उस सक्सेसर को क्या बोलते थे उस समय वाली ठीक है कि मेरा बात मेरा जो काम है वो कौन देखेगा तो उसके लिए वो हमेशा एक सक्सेसर अपॉइंट करके जाते थे द मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सूफी एंड सम ऑफ देयर प्रैक्टिस सच एज पेनेंस फास्टिंग होल्डिंग द ब्रेथ आज समाइम ट्रेस्ट टू द बुद्धिज़म एंड द हिंदू योगिक इन्फ्लुएंस ऐसा कहा जाता है कि जो सूफी प्रैक्टिस थी जिसमें फास्टिंग वगैरह आती थी ये सांस रोकना ठीक है ना ये सब जो जो प्रैक्टिसज थी जो वो परफॉर्म करते थे ये काफ़ी माना जाता है कि ये बुद्धिज़म और जो हिंदू योगिक है उनसे लिया गया है बुद्धिज़म वॉज वाइडली प्रिवलेंट इन सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम क्योंकि जो बुद्धिज़म है वो सेंट्रल एशिया में इस्लाम से पहले आ चुका था एंड द लेजेंड ऑफ द बुद्ध एज अ सेंटली मैन हैज़ बिन पास्ड इन टू द इस्लामिक लेजेंड और उसके बाद फिर ये ये जो प्रैक्टिस हैं उसके बाद ये इस्लाम में पहुंची योगी कंटिन्यू टू विजिट वेस्ट एशिया क्योंकि जो योगी थे वो वेस्ट एशिया में आते जाते रहते थे यहाँ तक कि इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के आने के बाद भी एक योगिक बुक के बारे में बताया हुआ है अमृत कुंड इनको ट्रांसलेट किया गया था इस बुक को पर्शियन लैंग्वेज में क्योंकि किस में लिखी हुई थी ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी हुई थी एक योगिक बुक थी हिंदू अन बुद्धिस्ट प्रैक्टिसिज एंड रिचुलस सीम टू हैव बिन एब्जॉर्ब एंड एसिमलेटेड बाय द सूफी इवन बिफोर द केम टू इंडिया तो ऐसा कहा गया है कि जो हिंदू और जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस हैं जो कुछ रिचुल्स हैं उनको बहुत पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया गया था सूफीज़ के थ्रू भारत में आने से पहले ही मतलब वो अब तक भारत में भी नहीं आए थे ऐसा नहीं था तो कि उन्होंने भारत में आके ये चीज़ें सीखी नहीं भारत में आने से पहले ही वो हिंदू और जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिसज थी उनको एब्जॉर्ब कर चुके थे वेदर बुद्धिस्ट फिलोसफिक आइडियाज़ एंड वेदांतिस आइडियाज हैड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन्फ्लुएंस सुफिजम इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी लेकिन पूरी तरह से ये बातें कॉन्ट्रोवर्शियल हैं किसने क्या सीखा सब जो भी हमारे पास रिटर्न में जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उनको भुड़केगी ये सब चीजें बता सकते हैं द ऑरिज़न ऑफ आइडियाज इज डिफिकल्ट टू ट्रेस तो अगर हम बात करेंगे वाकई में इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और बिल्कुल होता है ना बिल्कुल पक्की बात तो वो तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा द सूफी सेंट एंड मेनी मॉडर्न थिंकर ट्रेस द सुफिज्मफी आइडिया टू द कुरान एंड वॉट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हीयर इज दैर इरस्पेक्टिव ऑफ ऑरिजन

और हिज रिलेशनशिप विद द सोल एंड द मटीरियल वर्ल्ड और गॉड हैं जो उन वो कहते हैं ना एक आत्मा परमात्मा किस तरह से जुड़े हुए हैं ठीक है थीके? वो इस मटीरियल वर्ल्ड के साथ कैसे जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो फिलोसफी है सबकी थोड़ी बहुत सिमिलर दिखाई देती है इस चीज़ को लेकर एंड दिस प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर म्यूचुअल टॉलरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड द ह्यूमिन स्प्रिट ऑफ सुफिज्म इज़ वेल एक्सप्रेस्ड बाय द सनी एंड अ लीडिंग पर्सन पॉइंट ऑफ द टाइम और ये सुफिज के बारे में बताया हुआ है कि जो सुफिजम था वो एक ह्यूमन स्प्रिट थी ठीक है और इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है उस टाइम के एक पर्सन पॉइंट के थ्रू फेथ एंड इनफेडिलिटी बोथ आर गेलोपिंग ऑन द वे टू हिम इसमें क्या कहा है कि जो इस्लाम में ठीक है ना भरोसा रखते थे विश्वास करते थे और दूसरे वो थे जो नहीं करते थे दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं और दोनों किस बात के लिए क्लेम कर रहे हैं कि ही इज़ वन एंड नन शेयर इज किंगडम कि मतलब ऊपर वाला क्या है वो एक ही है और कोई भी उसके इस किंगडम को शेयर नहीं कर सकता है द सूफी ऑर्डर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू जो सूफ़ी ऑर्डर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक तो है बासारा ठीक है वो ये ये लोग वो थे जो इस्लाम को फॉलो करते थे इस्लामिक लॉक तो यहाँ पर दो तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिली सूफी ऑर्डर में एक था बासारा डैट इज़ हु फॉलोड द इस्लामिक लॉ ये वो लोग थे जो शरिया को फॉलो करते थे मतलब इस्लामिक लॉ को फॉलो करते थे और दूसरे थे बेशारा ये वो थे जो इस चीज़ से बाउंड नहीं थे मतलब इस चीज़ को फॉलो नहीं करते थे ठीक है उनकी मनमर्जी थी बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्डर प्रिवेल्ड इन इंडिया द लेटर बीइंग फॉलोड मोर बाय बायरिंग ऑल ऑर्डर सम ऑफ बिकम फिगर्स ऑफ पॉपुलर वेनरेशन ऑफन फॉर द मुस्लिम एंड द हिंदूज लाइक ये सूफिजम में जो एक खास बात थी जिसकी वजह से ये भारत में फैला ये ये थी कि यहाँ पर ये लोगों को कभी भी फोर्स नहीं करते थे कि आपको इस्लामिक लॉ को फॉलो करना है या नहीं करना बस ये एक अंदर से इच्छा होती है ना जब आपको सीख लेते हो तो आप दूसरों को बताना चाहते हो वो चीज़ तो इनके अंदर भी वही थी कि ये गॉड के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहते थे लेकिन कभी किसी को इन्होंने कोई गलत सलाह नहीं दी ठीक है उनको कभी फ़ोर्स नहीं किया कभी इन्होंने दूसरी की जो रिलीजन है उसकी इंसल्ट नहीं करी बल्कि बस ये दिखाना चाहते थे कि हमारा परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इनको भारत में फैलने दिया अब ठीक है मतलब फैलने नहीं ये मान लीजिए कि किसी ने रोका भी नहीं तो ये चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी और बेसिकली जो हमने इस लेक्चर में देखी खासकर रिलीजियस बिलीफ और आइडियाज़ के बारे में हिंदुओं को लेके भी और मुस्लिम्स को लेके भी तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चिस्तीस और सोहरवादी जो सिलसिला है उसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसके लिए इतना ही थैंक यू सो मच